हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस को, जिसको हिंदी में आप लोग कला एवं संस्कृति के नाम से जानते होंगे। ये क्लासेस पीटी और मेंस दोनों के लिए होने वाली हैं। अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट बीसीएस की तैयारी करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। आज हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 3। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो बाद में जा करके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैश्वीकरण, और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। सिलेबस से बाहर हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। आपको जो भी सिलेबस यूपीएससी और स्टेट बीसीएस में बताया गया है वही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम वैश्वीकरण को समझ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन हम देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है हमारे हमारी जो महिला वर्ग है उस पर क्या पड़ा है, हमारे जो वृद्ध लोग हैं उन पर क्या पड़ा है, हमारे युवाओं पर क्या पड़ा है, हमारे पूरी संस्कृति, हमारी भारतीय जो समाज है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। हम सभी इम्पैक्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, और सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में जाकर करके विश्लेषण भी क्या करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए, यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ये क्लासेस हो रही है, सारी क्लासेस आपकी सेकंड फाउंडेशन बैच और जो हमारे अचीवर बैच में एडमिशन ऐप पर लिए हैं उन लोगों क्लासेस हमने यूट्यूब पर अभी करा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप लोग यहाँ पर सारी वीडियो देखिएगा। लेकिन एक अनाउंसमेंट है, अगर आप लोग जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर हम 3 बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। 27 जून से ये 3 बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। एक में हम यूपी पीसीएस, दूसरे में बिहार पीसीएस, और एक में आपको आईएएस यानी कि यूपीएससी के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। यहाँ पर ये बैचेस हैं, ये 1 साल के ड्यूरेशन है। ये हमारी पूरी टीम के द्वारा पढ़ाया जाएगा, हम अकेले इसको नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वीडियो का वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाएंगे, ऊपर आई बटन में भी दिया रखा होगा, जाएंगे तो वहां पर आप लोगों के लिए मिल जाएगा। ओके, वहां पर जाकर के आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप लोग व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, वो फॉर्म फिल कर दीजिए जाकर के। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, तो जो लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उनके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद, क्योंकि ये कमेंट सारे पढ़ चुके हैं, पुराने कमेंट है, इस वजह से हम दोबारा यहाँ पर नहीं पढ़ने जा रहे। जो नए कमेंट होते हैं, अच्छे कमेंट होते हैं, उनको डेली लिया जाता है। तो देखिए, 10,000 का हमारा टारगेट है, इससे तो आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर ही देंगे। आप लोग अब देख सकते हैं बहुत तेजी से सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ा रहे हैं, अपनी फैमिली क्लब को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से प्यार करते रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो देखिए, जो सेकंड फाउंडेशन बैच और अचीवर बैच में एडमिशन लिए हैं उनकी अभी 9 बजे क्लासेस चल रही है, शाम को ही यूट्यूब पर ही अभी चल रही है। आप लोग आकर के डेली ज्वाइन करिएगा आकर के। ओके, देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें ग्लोबलाइजेशन जो आज हमारा टॉपिक है, तो वैश्वीकरण एवं समाज तथा संस्कृति पर प्रभाव हम लोग देखेंगे कि हमारा ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इन सभी चीजों पर क्या पड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन की, आखिर ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूरी पृथ्वी का एक तरह से सिकुड़ जाना। अब एक पृथ्वी है, कैसे सिकुड़ जाएगी भाई, इसका आकार तो नहीं छोटा होने वाला। यानी कि हम संचार, परिवहन, यानी कि इस प्रकार के जो हमारे साधन हैं, उन साधनों के माध्यम से हम क्या कर दें, दो देशों के बीच की दूरी या फिर दो स्थानों के बीच की दूरी को हम कम कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। जैसे वर्तमान में अगर संचार की बात करें तो हम यहाँ पर बैठे बैठे हम यूएसए की जो न्यूज है वो देख सकते हैं, यहाँ पर बैठे बैठे हम साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया या फिर हम चीन, जापान, जहाँ की भी न्यूज देखना चाहते हैं एक पल में देख सकते हैं। यानी कि 1 सेकंड में हम विश्व में किसी भी स्थान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यही क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। ये तो आसान शब्दों में ग्लोबलाइजेशन हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, फिर डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, सब स्थान में सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों को कॉपी पेन निकाल के रख लेना है, आप लोगों के लिए लिखना भी है, और ये जो पीडीएफ है केवल पार्ट नंबर 1 की पीडीएफ हमारे पास में नहीं है, पार्ट नंबर 2 की भी है और 3 की भी है, और इसके बाद जितने भी पार्ट आपको मिलेंगे सभी की पीडीएफ होगी। एक्चुअली क्या हुआ था, पार्ट नंबर 1 जब आप लोगों के लिए पढ़ा रहे थे फिर वो हम कंप्यूटर डायरेक्ट शट डाउन कर दिए थे, तो हम वो पीडीएफ सेव नहीं कर पाए थे। ओके, तो इसकी भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, और पार्ट नंबर 2 वाले की भी पीडीएफ मिल जाएगी। जिन लोगों को चाहिए वो लोग मैसेज कर दे कमेंट बॉक्स में, आपको पूरी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ओके, तो देखिए हम लोग इसमें क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। और डेली आप लोगों के लिए 9 PM पर आप क्लासेस मिला करेंगी, आप लोग डेली आया करिए यहाँ पर, या तो हिस्ट्री की क्लास मिलेगी या फिर आर्ट एंड कल्चर की आप लोगों को क्लास मिला करेगी। तो देखिए, हम लोग देखेंगे अर्थ से या फिर आशय के बारे में कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, इम्पैक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर हम प्रभाव की बात करें तो इसमें हम समाज के ऊपर प्रभाव,
प्लस हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, हम दोनों के ऊपर बात करेंगे। और हम इन दोनों में सकारात्मक पक्षों पर भी बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, और साथ में हम लोग देखेंगे नकारात्मक प्रभाव भी हम लोग देखेंगे। ओके, और इसी तरह से हम बाद में मूल्यांकन, मूल्यांकन के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखने के लिए देंगे, उनके आप लोगों को आंसर लिख करके आप लोगों के लिए सेंड करने हैं। सॉरी, यहाँ पर मूल्यांकन गलत हो गया, आप लोगों को आंसर लिख करके सेंड करने हैं, और सेंड करने के बाद में अगर उसमें कुछ भी सुधार करने की आवश्यकता होगी तो आप लोगों के लिए बताया जाएगा। तो आज आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चन लिखने के लिए दिए जाएंगे मेंस के, तो वो भी आप लोगों को लिखने के बाद में सबमिट करने हैं। जिन लोगों ने एडमिशन लिया है हमारे सेकंड फाउंडेशन बैच या अचीवर बैच में, उनकी सबसे पहले कॉपी चेक की जाएंगी, उसके बाद में टाइम बचता है तो उन लोगों की भी चेक की जाएंगी जो हमारे यूट्यूब के थ्रू हमसे सारे व्यूअर्स जुड़े हैं। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि पूरा विश्व है वो क्या हो जाए, एकीकृत हो जाए, मतलब एक हो जाए। तो देखिए, पूरा विश्व है, पूरे विश्व का एकीकरण, विश्व का एकीकरण। ओके, तो देखिए, एकीकरण यही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। यही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ओके, आखिर ये वैश्वीकरण है ये किस किस के माध्यम से हो सकता है? तो वैश्वीकरण पूंजी के माध्यम से वैश्वीकरण हो सकता है, तकनीकी के माध्यम से वैश्वीकरण हो सकता है, उद्यमिता के माध्यम से वैश्वीकरण हो सकता है, व्यापार के माध्यम से वैश्वीकरण हो सकता है। ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए, ये आपको नोट भी करना है, अगर आप लोग नोट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। तो देखिए, वैश्वीकरण वर्तमान विश्व जिसमें हम रहते हैं, यानी कि जिसमें वर्तमान में हम लोग रह रहे हैं, ये किस किस प्रकार का विश्व है, ये आपको वैश्वीकृत विश्व देखने को मिलेगा। देखिए, एक जो भी एक इम्पैक्ट होता है, जैसे यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, हम हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, कहीं पर महिलाओं के ऊपर अटैक हो जाए, महिला हिंसा हो जाए, तो वो बात कहाँ फैल जाती है, पूरे विश्व में फैल जाती है। मीटू आंदोलन जो चला था वो पूरे विश्व में चला था। मीटू मीटू महिलाओं से संबंधित, आम लोगों को ध्यान होगा कि महिलाओं के साथ में कभी भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया हो तो उसके लिए मीटू आंदोलन चलाया गया था। इसी तरह से कहीं भी छोटी सी घटना हो जाती है, जैसे कोरोना, कोरोना चीन में फैला था, वो पूरा क्या बन गया, एक महामारी का रूप ले लिया। क्योंकि आज क्या है, वैश्वीकृत पूरा विश्व देखने को मिलेगा। तो एक लोग है वो दूसरी जगह जाता रहता है, प्लेन पर बैठ करके, शिप पर बैठ करके, एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां का कोरोना कहाँ ले चला गया, अलग अलग जगह ले चला गया। ये किसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये वैश्वीकरण का ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए, वर्तमान विश्व जिसमें हम रहते हैं एक वैश्वीकृत विश्व है, पूंजी तकनीकी उद्यमिता एवं व्यापार के माध्यम से किसी देश या स्थान का दूसरे देश या स्थानों से जुड़ना या एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। ये तो छोटी सी डेफिनेशन हो गई, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। वैसे कोई इसमें इतने रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, और ऐसे भी अगर कभी लिखने पर आएगा तो आप लोग ऐसे भी लिख देंगे। आप यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसके कुछ पैराग्राफ है या फिर पूरा इस पर निबंध आ गया, तो वो भी आप लोग इस पर लिख सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वैश्वीकरण के युग में तकनीकी के माध्यम से घर बैठे विचारों का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ है। एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच विभिन्न आदतें, व्यापार जैसे भोजन, फैशन, रीति रिवाज आदि तेजी से फैले हैं। तकनीकी के प्रचार के कारण विभिन्न समाज एवं संस्कृतियां एक दूसरे के निकट आई हैं। इस निकटता एवं एकीकरण से समाज एवं संस्कृति पर वैश्वीकरण का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, यहाँ पर आदि इसी प्रकार का लिखा हुआ होगा, वैसे आदि इस तरह से लिखा जाता है। एक्चुअली क्या है, क्योंकि हम गूगल वॉइस टाइपिंग का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर आदि की जगह इस तरह से आदि लिखा गया होगा, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट होता है, वो आप लोग सही कर लिए अगर ये, वैसे तो हम बता देते हैं सभी चीजें। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन अभी हैं, 3 क्वेश्चन और अभी आपको दिए जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन है, इन्हें लिखने का प्रयास करना है। अभी हम पढ़ाएंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा, कि एकदम टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपके आरजी सर है ना, आरजी सर सभी चीजों का समाधान लेकर के आते हैं,
और आप लोगों को इस तरह से पढ़ाते हैं कि सोते हुए भी उठेंगे तब तब भी आप लोगों के दिमाग में सब कुछ ऐसे जहन में घूमता रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का भारतीय परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण करने का मतलब होता है कि जिन जिन आधारों पर आलोचनाएं की गई है, मतलब जो नकारात्मक पक्ष हैं उनका आपको परीक्षण करना है। वैसे देखिए जैसे वैश्वीकरण का किन्हीं आधारों पर क्रिटिसिज्म किया जाता होगा, उन आधारों का आपको मूल्यांकन करना है और मूल्यांकन करके आपको एक निष्कर्ष देना है। आलोचनात्मक का यही मतलब होता है। इसके अलावा देखिए भारत में परिवारों पर वैश्वीकरण के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों का प्रभावों की चर्चा कीजिए, यानी कि जो वैश्वीकरण है उसके कारण जो हमारे भारतीय परिवार हैं उनके ऊपर कौन से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं उनके बारे में आपको बताना है, मतलब चर्चा करनी है। और देखिए तीसरा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने भारतीय परिवारों को बिखेर कर रख दिया है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए इसमें बोला गया है कि भारतीय परिवार हैं वो वैश्वीकरण के कारण बिखरते चले जा रहे हैं, मतलब टूटते चले जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली बनते चले जा रहे हैं। देखिए ये शब्द होते हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिली हम बोल दिया, आप सोचें कौन सा परमाणु बम आ गया, परमाणु बम नहीं, ये शब्द होते हैं सिर्फ। आपको बताएंगे आगे चल करके जब आपको सोसाइटी पढ़ा रहे होंगे, ओके, तो आपको समझ में आएगा अच्छा न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है जैसे आज आपके परिवार में कौन रहता है, आपके मम्मी पापा और आपके बच्चे, मतलब आपके बच्चे नहीं, आपके मम्मी पापा और उनके बच्चे यानी कि आप लोग रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली जिसमें चाचा दादा मतलब पूरा खानदान रहता है उसके लिए हम बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, ओके। जैसे वर्तमान में सब लोग जॉब करते हैं, कोई जाकर के लखनऊ में रहने लगता है, कोई पटना में रहने लगता है, कोई दिल्ली में रहने लगता है, कोई मुंबई में रहने लगता है, और एक शहर में भी रहते हैं, सब अपने अपने घर बनवाते हैं, ओके, अलग अलग रहते हैं, अपने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देते हैं, तो इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलेंगे। आज सब कुछ आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वैश्वीकरण एवं समाज पर प्रभाव, वैश्वीकरण का हमारा हमारी हमारी जो भारतीय समाज है, हमारे भारतीय समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम नकारात्मक पक्षों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सकारात्मक पक्षों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए नकारात्मक पक्षों की बात करें तो नंबर एक आपको देखने को मिलेगा कि साझा परिवारों का तेजी से एकल परिवारों में टूटना। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखिए प्रत्येक व्यक्ति है वो नौकरी करता है और सोचता है कि हमारी जो इनकम है वो थोड़ी है, महंगाई बहुत है, चलो अलग अलग हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं तो इनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो वैश्वीकरण के कारण वो देखता है कि छोटा परिवार खुशी परिवार, ओके, छोटा परिवार यानी कि भाई और लोगों को ना रखो, सारी सुख सुविधाएं अगर हम ऑडी ले लिए तो हमारा और भी पूरा खानदान वो चलाया करेगा, ना ना एसी में सिर्फ हम लेटेंगे, हमारी तनख्वाह थोड़ी ज्यादा है, एसी हम पढ़ अपने भाई भाई को क्यों लगाएं, अपने एसी में हम तो मौज लेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। पारिवारिक मूल्यों और आदर्शों का बिखराव आपको देखने को मिलेगा कि मूल्य है जो हमारे पहले परिवार में ऐसे जो मूल्य होते थे कि इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी एक दूसरे की, एक दूसरे से पूछे बिना कोई काम नहीं करते, वो मूल्य है वो आदर्श है घर में बैठ करके। पहले घर में बैठ करके हम जब खाना खाते थे तब उस वक्त सभी पर चर्चा परिचर्चा करते थे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है डिसीजन लेते थे, बड़ों का कहना मानते थे, मतलब अपने दादा से अपने जो पिताजी होते थे उनसे पूछते थे कि हमको क्या करना है, हमें किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या थी, हमारी संस्कृति का ही एक पार्ट था, लेकिन आज वो आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। जैसे पहले हम बुजुर्गों का इतना सम्मान करते थे आज वो आपको समाज में नहीं देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा परिवार के सदस्यों के संबंधों में दूरी के कारण तनाव का आना, मतलब दूर दूर रहते हैं तो उसमें तनाव आने लगते हैं, पति पत्नी संबंधों में तनाव आपको देखने को मिलेंगे, अकेले अकेले रहते हैं और फिर पति चला जाता है काम करने या फिर पत्नी भी चली जाती है काम करने, फिर अलग अलग रहते हैं, शाम को आते हैं फिर कहते हैं मैं भी काम करने गई, तू भी भाई काम करने गया, खाना कौन बनाएगा। और अभी भी हमारे समाज में महिलाओं के लिए रोजगार तो मिल गया है लेकिन अभी मानसिकता वो चेंज नहीं हुई है, आज भी अगर महिला जॉब करती है और पुरुष भी जॉब करता है तो दोनों के आने के बाद महिला ही खाना बनाएगी। ऐसा क्यों भाई केवल महिला खाना बनाए, क्योंकि देखिए चीजों को बदलने में समय लगता है, तुरंत तो सारी चीजें नहीं बदल जाती हैं। तो क्या होता है, हल्के हल्के तनाव आने लगता है, पति ही पत्नी को भी या पत्नी पति को कम समय देना प्रारंभ कर देती है और एक्सपेक्टेशन होती है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, उम्मीदें होती हैं वो बहुत ज्यादा, डिजायर्स होती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती हैं।
तो इसके कारण आप लोगों को देखने को मिलेगा तनाव और तलाक जैसी घटनाओं में वर्तमान में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। ये भी वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा पहले जब हमारे भारत में कहते थे एक बार शादी हो गई तो 7 जन्मों का साथ होता था, लेकिन आज जो शादियां होती हैं वो 7 वर्ष से पहले ही टूट जा रही हैं। जो शादियां हैं वो 7-17 महीने भी ठीक से नहीं चल पाती हैं, कई शादियां तो पहले ही टूट जाती हैं। आप लोग देखिए कई सारे आईएएस ऑफिसर, नाम नहीं लेंगे, आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली शादी किए थे, अभी अलग होने लगे। ओके, तो इसका प्रभाव किसका? वैश्वीकरण का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बॉलीवुड में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोगों को देख लीजिए कि एक से ज्यादा वो लोग शादियां करते हैं, बहुत जल्दी तलाक हो जाता है। और आपने आजकल पहले इतना तलाक नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल आप अपने पड़ोस में देखते होंगे, अच्छा हो उनके पति का तलाक हो गया, उनकी पत्नी का तलाक हो गया, अरे मेरे दोस्त का तलाक हो गया, ये नॉर्मली सुनने को अब मिलने लगा है। तो आपको इससे क्या होता है, हमारा परिवार है वो संकट में पड़ जाता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि परिवार के वृद्ध सदस्यों की देखभाल में कमी आना, इससे वृद्धों के जीवन में जीवन है वो संकट में हो जाना। अब देखिए जो न्यूक्लियर फैमिली के कारण जो वृद्धों की देखभाल करना कि भाई 2 दिन बाहर रहेगा, 2 दिन बाहर रहेगा, 2 दिन बाहर रहेगा बुढ़ा बुढ़िया, ऐसे चलता है यार, उनके लिए हम क्या समझते हैं, बोझ के तरह समझने लगते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण के दौर में डिजायर्स ज्यादा बढ़ जाती हैं और बुजुर्गों के लिए एक भार के रूप में देखा जाने लगता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए वो कहते हैं अब ये बूढ़े हो गए हैं, सुनते नहीं है हमारी बात। जब बचपन में तुम भी नहीं सुनते थे तो मम्मी तुम्हारे पीछे पीछे खाना लेकर के दौड़ती थी पूरे दिन, तुम्हारे लिए ही पूरे दिन कार्य करती थी, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ ए टू जेड तुम्हारे लिए करती थी। लेकिन आज जैसे बचपन में आप सुन सकते थे फिर भी मम्मी की नहीं सुनते थे, लेकिन आज तो उन मम्मी की या पापा की मजबूरी है, जो शारीरिक कमजोरी की वजह से वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप उन्हें भार समझ रहे हैं। आप भी उन्हें अभी कुछ सालों तक ही देख रेख करना है, फिर वो क्या होते हैं, बुजुर्ग चले जाते हैं, उनकी सेवा ज्यादा सालों तक नहीं करनी पड़ती है। माँ बाप ने तुम्हें तो तब से पाला जब वो तुम कुछ भी बोलना नहीं जानते थे, जब तुम चलना भी नहीं जानते थे, कहते थे माँ बाप है वो पोटी कर देते हैं, साफ करते करते परेशान है, चलो जाओ वृद्धाश्रम में छोड़ो। अरे वो तो खाट पे ही पोटी करते हैं, तुम तो उनके ऊपर पोटी कर देते थे, जब वो गोद में खिलाती होती थी दूसरे हाथ से खाना खा रही होती थी तो खाना खाते वक्त तुम उनके ऊपर पोटी कर देते थे, दूसरे हाथ से वो खाना खाती थी और दूसरे हाथ से आपकी पोटी साफ करती थी, ऐसी हालत थी। मतलब आज के जमाने में क्या बताया जाए, इन चीजों पर बात नहीं की जा सकती। और चलिए हम लोग तो आप कहते होंगे सर आप भी हो सकता है बड़े होकर के ऐसे हो जाए, आपकी बीबी आ जाए वो, फिर आप भी मम्मी पापा को, नहीं हम हमेशा अपने मम्मी पापा को साथ रखेंगे और आप लोग तो हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे किसी ना किसी माध्यम से, तो आप लोग हमेशा देखिएगा हमारे मम्मी पापा हैं वो हमेशा हमारे साथ में रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि सकारात्मक प्रभाव की भी बात कर लेते हैं कि वैश्वीकरण का हमारे परिवार के ऊपर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देखिए नकारात्मक प्रभाव तो पड़े ही पड़े हैं, लेकिन इसके अलावा सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, तो सकारात्मक प्रभाव भी हम लोग देख लेते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव में आपको देखने को मिलेगा कि वैश्वीकरण के कारण परिवार की जो संयुक्त आय है उसमें वृद्धि हुई है, यानी कि पहले पति ही काम करता था, पुरुष ही काम करते थे, अब लेकिन महिला भी कार्य करती है जाकर के, तो आय में वृद्धि हुई है, संयुक्त आय में वृद्धि हुई है, जिस कारण सदस्यों के रहन सहन यानी कि जीवन स्टैंडर्ड जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसमें वृद्धि हुई है, जिससे बच्चों की का लाइफ स्टाइल है वो भी चेंज हुआ है। आपने देखा कि बच्चों के लिए अब हम उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दिलाते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी दिलाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि लाइफ स्टाइल है वो बेहतर हुआ है। परिवार की आय में वृद्धि, पति पत्नी की संयुक्त आय के कारण बच्चों का लालन पोषण है वो भी अच्छे से अब हो पाता है। इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण एक दूसरे को जोड़ने वाली तकनीकों का तेजी से प्रसार हुआ है, इससे पारिवारिक संबंधों और रिश्तेदारों से नजदीकी संबंधों के लिए नए नए अवसर खुले हैं। जैसे आज वीडियो कॉल के माध्यम से आप देख सकते हैं, अरे मेरा लाला क्या कर रहा है, अरे मेरी लल्ली क्या कर रही है, अरे मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, जिसको देखना है उसको देख लेते हैं, भले ही मम्मी पापा को तो हम नहीं देखते वीडियो कॉल पर, बाबू सोना कहीं ही देखते रहते हैं वीडियो कॉल पर, या फिर अपने बच्चों को ही देखते रहते हैं, लेकिन हमें वृद्धों को भी देखना चाहिए और लोगों को भी देखना चाहिए, सभी लोगों को देखना चाहिए। तो देखिए आज ऐसी तकनीकी है कि आप दूर रहते हुए भी एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। जैसे शायद ही ऐसा कोई दिन जाता है जिस दिन हमारी मम्मी जी से बात ना होती हो, पापा जी से तो नहीं होती, पापा जी से 2-3 दिन पर एक बार होती है, लेकिन मम्मी जी से ऐसा ही शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन हमारी बात नहीं होती होगी, हम और किसी से बात करें ना करें लेकिन मम्मी जी से हमारी बात जरूर होती है।
तो क्या होता है, ये थोड़ी निकटता लाने का प्रयास करते हैं। जैसे पति पत्नी है दूर रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दूर रहते हैं, वो क्या करते रहते हैं इस डिवाइस के माध्यम से क्या है, चटियाते रहते हैं। तो लगाव कहाँ से है, फोन की वजह से है। अगर ये फोन ना हो 3 साल बाहर अलग अलग रहेंगे, लगाओ तो अब खत्म हो जाएगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ब्रेकअप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद नाम हम सब भूल जाओगे, भाई ये फोन ही है जो 24 घंटे आपस में एक दूसरे के आपके तार जोड़े रहता है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण वृद्धावस्था को कवर करने वाली अनेक पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड और बीमा आदि का आगमन हुआ, इससे वृद्धों के जीवन स्तर में सुधार को बल मिला है, ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी पेंशन स्कीम के माध्यम से सुरक्षा दी जाती है। देखिए 3 क्वेश्चन और हैं, ये भी आप लोगों के लिए लिखने हैं। तो वैश्वीकरण का महिलाओं पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का विवेचन कीजिए, फिर चर्चा कीजिए, वर्णन कीजिए, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण में किस प्रकार नारी पहचान एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। कामकाजी महिलाओं पर, तीसरा क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए कि वैश्वीकरण का कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं वैश्वीकरण का हमारी महिलाओं के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो देखिए हम पहले यहाँ पर नकारात्मक देख लेते हैं। तो वैश्वीकरण ने महिलाओं के लिए शिक्षा, प्रशासन, बैंकिंग, विज्ञान, रक्षा आदि क्षेत्रों में समान अवसरों का सृजन किया है। ये सकारात्मक है, सॉरी नकारात्मक नहीं है। एक्चुअली हम इधर थोड़ा सा आइडिया लगा कर ही बोलते हैं, हमको इधर दिखता नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये जो हम कंप्यूटर एक लेके आए हैं अपने दोस्त का, तो उनका कंप्यूटर ही थोड़ी सी जगह पे फूटा हुआ है, तो वहां पर हमको ऐसे ही बोलना पड़ता है, हमको यहाँ पर नहीं दिखता है। मतलब इस साइड में देखिए, आपको लाइन खींच करके दिखाते हैं, अगर लाइन खींच जाए तो देखिए इतना एरिया में हमको कुछ दिखता नहीं है कि क्या होता है, तो हम ऐसे ही जो हमने पढ़ा रखा होता है वही हम बोल देते हैं। ओके एक्चुअली क्या है, यहाँ पर स्क्रीन फूटी हुई है, ये फूट गई थी और हल्की हल्की थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट है, ये ज्यादा हो गया है यहाँ पर। अभी हमारे कंप्यूटर आ जाएगा, तो जो मतलब 2 कंप्यूटर हैं वो तो बेकार ही पड़े हुए हैं, एक कंप्यूटर है जिसमें रैम वैम लग जाएगी, वो अच्छे से फिर आ जाएगा वो, तब और अच्छे से आप लोगों की क्लासेस चला करेंगी। अभी लंबी क्लासेस 3 घंटे 4 घंटे की इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये वाले कंप्यूटर हैं इतने हैवी नहीं है, मतलब इनमें भी 8 GB RAM और i5 7th generation प्रोसेसर है, लेकिन ये पुराने कंप्यूटर हैं, इस वजह से चोक कर जाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं। वो गेमिंग कंप्यूटर हैं जिनसे हम आप लोगों को क्लासेस लेकर के पढ़ाते थे पहले ऐप पर, तो इसी वजह से देखिए इसमें साउंड में उतना ज़्यादा क्लियर नहीं आता, थोड़ा भर 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 करता रहता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर में जो गेमिंग कंप्यूटर है उसका प्रोसेसर हाई होने के कारण, ग्राफिक कार्ड अच्छा होने के कारण एकदम क्लियर वॉइस आती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सकारात्मक पक्षों की, बात कर लेते हैं कि वैश्वीकरण का हमारी महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैश्वीकरण ने महिलाओं के लिए शिक्षा, प्रशासन, बैंकिंग, विज्ञान, रक्षा आदि क्षेत्रों में समान अवसरों का सृजन किया है, उन्हें रोजगार के समान अवसर प्रदान किए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं अब ये पहली भारतीय सेना में जो पहली पायलट है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ओके सभी क्षेत्रों में उनको समान अवसर मिले हैं वैश्वीकरण के कारण। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, राजनीति के क्षेत्र में देख लीजिए, सेना के क्षेत्र में देख लीजिए, तकनीकी क्षेत्र में देख लीजिए, स्पेस के क्षेत्र में देख लीजिए, हर जगह महिलाओं के लिए समान अवसर सृजित हुए हैं। तो एक सकारात्मक प्रभाव आपको वैश्वीकरण का महिलाओं के ऊपर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरा सकारात्मक प्रभाव है विभिन्न अवसरों एवं रोजगार प्राप्ति के परिणाम स्वरूप महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है, इससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता में कमी हुई है और वो आत्मनिर्भर हुई हैं। पहले क्या होता था, जब वो आत्मनिर्भर नहीं थी, पुरुषों के ऊपर ही डिपेंड थी, तो पुरुष का वर्चस्व ज्यादा देखने को मिलेगा, वो स्वतंत्रता पूर्वक कोई कार्य कोई निर्णय नहीं ले पाती थी, लेकिन आज वो निर्णय ले पाती है। देखिए एक तलाक होने का आज ये भी कारण है, पहले महिलाओं के ऊपर जब हिंसा होती थी, घरेलू हिंसा होती थी और उनको प्रताड़ित किया जाता था, फिर भी वो वहां पर ही रहती थी कि पति के यहाँ आए हैं डोली में और जाएंगे अर्थी में ही जाएंगे, वैसे नहीं जाने वाले। लेकिन आज महिलाएं हैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं और वो जब आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो जाती हैं तो वो किसी भी डिसीजन को लेने में सक्षम हो जाती हैं। वर्तमान में एक तलाक का एक कारण ये भी आपको देखने को मिलेगा कि महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक भी हुई हैं। ओके देखिए
कई बार बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन एक रीजन ये भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपको सकारात्मक पक्ष देखने को मिलेगा। देखिए, अगर किसी महिला के ऊपर दबाव बना करके उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और वो महिला किसी के साथ में खुश नहीं है, तो वो तलाक लेती है, तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और उसने एकदम सही डिसीजन लिया है। तो इसमें चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, कोई भी यहाँ पर ये डिसीजन ले सकता है। देखिए, भगवान भी एक गलती माफ करता है, तो हम पहली शादी कर लेते हैं जाकर के, लेकिन आपको लगता है ये भूल बस हो गई हमसे, हमसे ये पहली गलती हो गई है, चलो इस गलती को सुधार लेते हैं, तो तलाक एक ऑप्शन के रूप में हमारे कानून में दिया गया है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, वैश्वीकरण के कारण महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, महिला सशक्तिकरण एवं नारी पहचान को बल मिला है, आपको देखने को मिलेगा। आप कुछ लोग कहते होंगे, सोच रहे होंगे, सर तलाक को बढ़ावा दे रहे हैं। ना, भाई हम तलाक को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जहां तक संभव हो वहां तक हमें एक दूसरे की फीलिंग को समझना चाहिए, ना केवल महिला को पुरुष की फीलिंग को समझना चाहिए, बल्कि पुरुष को भी महिलाओं की फीलिंग को समझना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। कभी भी लड़ाइयां नहीं होंगी, जब निर्णय होता है वो एक तरफा होता है, एक तरफा कोई भी डिसीजन, चाहे प्यार एक तरफा हो या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए अगर एक तरफा निर्णय लिया जा रहा हो, तो समझ लीजिए तनाव आता ही आता है। जब तनाव आता है तो वहां पर एक दूसरे से मनमुटाव बढ़ने लगता है, मनमुटाव बढ़ने लगता है तो दूरियां बढ़ने लगती हैं, दूरियां बढ़ने लगती हैं तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ओके, तो जब भी आप लोग भविष्य में, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, तो अपने पार्टनर की बात अवश्य सुने, चाहे आप पुरुष हो, पुरुषवादी मानसिकता के हो, कोई बात नहीं, फिर भी आप महिलाओं की बातें सुनना प्रारंभ करिए, वो बहुत बहुत अच्छी बातें बताती हैं, क्योंकि उनकी इतनी मतलब बातें कोई नहीं करता। कहते हैं जो चुगलखोर टाइप के लोग होते हैं, उनमें पहली कैटेगरी सबसे पहले किसकी आती है? महिलाओं की आती है। तो जो इतनी ज्यादा बातें करता है ना, वो इन चीजों में बहुत ज्यादा माहिर होता है। जितने आपके पास एग्जाम्पल होंगे, उनसे ज्यादा एग्जाम्पल बता देंगे कि ए जी ओ जी के घर में ऐसा हो चुका है, तुम मत करो। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम लोग चौथा देखते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आपको देखने को मिलेगा, वैश्वीकरण के कारण ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी के प्रसार के कारण महिलाओं में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हुआ है, जिससे उनमें तर्क, सवाल एवं तर्क करने का बेहतर ढंग से विकास हुआ है और उनके शोषण में इस कारण कमी भी आई है। अब महिलाएं हैं, उनसे कहा जाता है कि ऐसा ना करो, तो वो कहते हैं ऐसा क्यों ना करें भाई, इसके पीछे कारण क्या है? कहा जाता है कि महिलाओं से कहा जाता है कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, घर पे चौका चूल्हा करो, तो बोले कि चौका चूल्हा हम अकेले क्यों करें, तुम्हारा बिटवा है वो चौका चूल्हा क्यों नहीं कर सकता है, हम पढ़ेंगे तुम्हारा बिटवा क्या करेगा, चौका चूल्हा करेगा। ओके, तो तर्क करने की, सवाल करने की उनके अंदर क्षमता विकसित होती है जब ऐसी चीजों से मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी पहली भारतीय सेना में पायलट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब पहली बार इन लोगों ने प्लेन उड़ाया है, मतलब भारतीय सेना में पायलट पहली बार देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो एविएशन सेक्टर में बहुत सारी महिलाएं प्लेन को उड़ाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको देखने को मिलेगा पहली भारतीय, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो पिक है रेड कलर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो सरला है, ये पहली महिला पायलट देखने को मिलेंगी भारत की, और इन्हें ही ब्रिटिश सरकार में, अभी नहीं, ब्रिटिश सरकार के दौरान इन्हें कॉमर्शियल लाइसेंस भी मिला था, मतलब जो प्लेन को चलाने का, और इन्होंने अकेले प्लेन भी उड़ाया था। यानी कि 1938 के समय इन्होंने प्लेन उड़ाया था, तो 1938 के समय आपको देखने को मिलेगा कि ये प्लेन उड़ाती थी। हमारे देश से पहले ही महिलाएं प्लेन उड़ाती थी, जब हमारे देश के 99.99% पुरुष हैं वो प्लेन की सवारी नहीं किए होंगे, तब हमारी महिलाओं ने प्लेन को उड़ाया था। तो महिलाओं के अंदर क्षमता में कमी नहीं है, बस उन्हें अवसर नहीं दिए गए। जब भी उनको अवसर मिलता है तो वो कभी किसी से कम नहीं होती। हमारे यहाँ झांसी की रानी देख लो, वो भी एक महिला थी। ओके, हमारे यहाँ जो हम जिस देवी के रूप में जिनको पूजते हैं, दुर्गा देवी, काली देवी, वो तो मतलब प्राचीन से प्राचीन काल में आपको देखने को मिलेंगी। तो इधर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं आज आईएएस बन रही, ना केवल आईएएस बन रही है, आप देख लीजिए टॉप 10 में, टॉप 15 में, टॉप 100 में आपको महिलाओं की संख्याओं के नाम कम नहीं देखने को मिलेंगे। भले ही ये कम संख्या में बैठती हैं पेपरों में, लेकिन टॉप 10 में आपको, टॉप 5 में आपको हर साल आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी। आपको देखने को मिलेगा 5 महिलाएं हैं जो एथलीट आपको देखने को मिलेंगी, जो बहुत सारे मेडल्स भी लेकर के आई थी। इसी तरह से देखिए, बहुत सारी एथलीट जो महिलाएं हैं,
हमारी खिलाड़ी महिलाएं हैं उनके यहाँ पर नाम दिए रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से। चलिए हम लोग नकारात्मक पक्षों के ऊपर भी बात कर लेते हैं, बहुत सारे सकारात्मक पक्षों की बात कर लिए। वैश्वीकरण का हमारी महिलाओं के ऊपर सकारात्मक बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ा है, लेकिन दूसरी ओर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। उन महिलाओं को समझना पड़ेगा कि किस तरह से कॉरपोरेट है, जो पश्चिमी संस्कृति है, वो किस तरह से उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करती है। तो देखिए, वैश्वीकरण ने महिलाओं को रोजगार का अवसर तो दिया, लेकिन उसने रोजगार की जो निश्चितता है वो नहीं दी। विशेषता जब प्रेगनेंसी का समय होता है, मतलब जब महिलाएं होती हैं वो गर्भवती हो जाती हैं, तब उनके लिए यहाँ पर रोजगार है वो निश्चित नहीं रहता, उनसे रोजगार के अवसर हैं वो ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है, कानून के द्वारा की भी गई है, और उन्हें अब इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है कि अगर कोई भी महिला गर्भवती हो जाती है तो उसकी जो तनख्वाह है वो आधी कर दी जाए, और जब वो ठीक हो जाए तो उसे पुनः कार्य पर रखा जाए। तो इस तरह से कुछ नियम कानून, जैसे फुल तो नहीं रखी जा सकती, फुल रखेंगे तो कंपनी को बहुत बड़ा घाटा होने लगेगा, लेकिन अगर सरकारी हैं तो उनको फुल पेंशन दी जानी चाहिए, बड़ी कंपनियां हैं तो वहां पर फुल वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन जो छोटी भी जगह पर अगर कोई महिला इस प्रकार का कार्य करती हैं तो उन्हें थोड़ी सी छूट दी जाए, भले ही वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाए या फिर निजी मालिकों के द्वारा दी जाए, वो एक अलग बात है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कम वेतन, मतलब समान कार्य के लिए एक महिला है वो भी 8 घंटे जाकर के ऑफिस में काम करती है, एक पुरुष है वो भी 8 घंटे जाकर के ऑफिस में काम करता है, तो दोनों के लिए यहाँ पर समान वेतन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कई बार महिलाओं के लिए कम वेतन दिया जाता है, तो यहाँ पर कम वेतन भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ में कार्य स्थलों पर महिलाओं के साथ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के शोषण की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आप लोगों को हम पढ़ाई भी थी कि कार्यस्थलों पर महिलाओं का शोषण, तो ये निवारण अधिनियम भी पारित किया गया है। ओके, तो कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ में बहुत सारी छेड़छाड़ की जाती है, उनके साथ में बहुत सारे कार्य इस तरह के दुर्व्यवहार किए जाते हैं। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा घर एवं बाहर की दोहरी जिम्मेदारी, काम का बोझ, तनाव, मानसिक असंतुलन एवं बीमारियां आदि आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आज क्या है, आज महिलाएं पुरुष दोनों काम करने जाते हैं, लेकिन फिर भी आज भी महिलाएं आकर के ही झाड़ू पोछा करेंगी, महिलाएं ही आकर के दोनों लोग काम करते हैं, समान घंटे काम करते हैं, आ करके दोनों साथ में घर पर आते हैं, तो बच्चों की पोटी है, बच्चों के कपड़े हैं, कौन धुलता है। मैक्सिमम भी अभी आपको देखने को मिलेगा कि स्त्रियां ही काम करती हैं, यानी कि ऑफिस का भी करेंगी, घर का भी करेंगी, काम उनका कम नहीं हुआ है, तो एक समस्या आपको देखने को। लेकिन अब बहुत पुरुष हैं वो समझने लगे हैं, वो अब काम में हाथ बटाते हैं, बराबर बराबर काम करते हैं। ओके, तो वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वैश्वीकरण की शक्तियों द्वारा महिलाओं को एक उत्पाद की तरह पेश किया जाता है, विशेषतः टीवी कार्यक्रमों एवं फैशन आयोजन स्थलों पर। इससे महिलाओं के प्रति समाज में गलत प्रवृत्ति का उदय हुआ है, इसके प्रति हिंसा एवं अपराध की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। देखिए, महिलाओं के लिए वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में पता है एक उत्पाद की तरह, एक उपभोग करने वाली वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जाता है। कैसे प्रस्तुत किया जाता है आपको बताते हैं। देखिए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, मैक्सिमम 90% से प्लस एडवर्टाइजमेंट है जिसमें महिलाओं का उपयोग किया जाता है, भले ही वहां पर वो एडवर्टाइजमेंट महिलाओं का हो या ना हो। पुरुष के जो चड्डी होती है, कच्छा होता है, उसे बेचने में महिला की आवश्यकता वहां पर नहीं है, लेकिन वहां पर भी जबरदस्ती महिला को घुसेड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं को एक उत्पाद की तरह प्रस्तुत किया जाता है, खासकर जो टीवी कार्यक्रम होते हैं, एड्स वाले होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं, ये लोग देखिए आपको कुछ एग्जांपल के लिए दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी ड्यू होता है, परफ्यूम होता है, इसका एड आप देख लीजिए, इसमें ऐसे मतलब महिलाओं को दिखाया जाता है कि मतलब ऐसे वो आकर्षित होकर चली आ रही है कि ये क्या है, वो कोई प्रोडक्ट है इस तरह से। आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइन वो है, मतलब दारू है, उसका यहाँ पर ऐड देखने को मिलेगा। देखिए, महिला को इस तरह से गिलास में दिखाया जा रहा है। गिलास में किन वस्तुओं को रखा जाता है? गिलास में उन वस्तुओं को रखा जाता है जिसको हम पीते हैं, यानी कि जिसका हम उपभोग करते हैं, उसको इस तरह से दर्शाया जा रहा है। अरे भाई, एक ये वोडका वाइन जो भी पीने के लिए इसको बनाया गया है, उसको डालने के लिए बनाया गया, इसको यहाँ पर महिला को रख करके एडवर्टाइजमेंट करने की क्या आवश्यकता थी। ये देखिए, पेंट है वो दीवालों पर किया जाता है, फ्यूचर पेंट का एड आपको देखने को मिलेगा। इसमें इस तरह से महिला को पेंट से ही ऐसे कपड़े पहना दिए गए, मतलब हर चीज में जबरदस्ती अंदर डाला जाता है। ये तो मोहतरमा
वो इस तरह से ऐड दिखाई गए। पिज्जा वाला तो हम लगाए नहीं थे, बहुत ज्यादा ही अश्लील था कुछ, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि मतलब ये लग ही नहीं रहे पिज्जे मतलब बर्गर खा रही हैं या फिर मतलब कुछ और ही कर रही हैं, इनका तो समझ भी नहीं आ रहा है। मतलब इस तरह से चीजों को ऐड दिखाया जाता है। इसी तरह से एक ये भाई दूध का ऐड है, भाई ये दूध का ऐड किस तरह से है, मतलब ये दूध का ऐड आप देख सकते हैं महिलाओं को किस तरह से, आज कारपोरेट उत्पाद है, वैश्वीकरण के दौर में महिलाओं के लिए उत्पाद की तरह दिखाई जा रही है, इसकी और कोई बात नहीं करता। ये महिलाएं सोचती हैं ये हमारे मतलब फ्रीडम की बात है, नहीं फ्रीडम की बात नहीं भाई, दोनों में अंतर बहुत बड़ा है, एक स्वतंत्रता, दूसरा आपका यूज किया जाना, जब आपका कोई यूज कर रहा है तो वहां पर स्वतंत्रता नहीं है, आपकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये बहुत गहनता वाली बात है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम अब यहाँ पर देखते हैं वैश्वीकरण का हमारी युवा वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय युवा वर्ग या फिर कोई भी युवा वर्ग हो सकता है। तो सबसे पहले हम सकारात्मक देख लेते हैं, फिर हम लोग नकारात्मक देखेंगे। तो देखिए वैश्वीकरण के अधिकांश अवसरों का लाभ हमारी युवा वर्ग ने ही उठाया है, उन्हें अधिक से अधिक रोजगार की प्राप्ति हुई है, उनकी आय में वृद्धि हुई है, फलतः उनके रहन-सहन में भी सुधार हुआ है। आपने देखा पहले का जो युवा था वो साइकिल से चलता था, मैक्सिमम युवाओं पर पहले साइकिल तक नहीं हुआ करती थी, एक साइकिल खरीद करके अगर कोई लाता था तो देखते थे पूरा गांव आता था देखने के लिए, अरे शादी में मुनव्वा की शादी में साइकिल मिल गई, हीरो की साइकिल मिली है या फिर हरकुलिस की साइकिल मिली है, तो पूरा गांव आता था देखने के लिए। लेकिन आज क्या है, हर युवा के पास में मोबाइल, हाईटेक चीजें हो चुकी हैं, घर रहने के लिए अच्छा सा घर है, मतलब सारी चीजें हल्की हल्की आ रही हैं। लेकिन भले ही बेरोजगारी की दर अभी भी तीव्र है वो एक अलग मैटर है, लेकिन आज आप देखेंगे पहले के कंपेयर में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हुए। पहले सीमित रोजगार के अवसर थे, पहले जैसे खेती में ही लोग कार्य कर सकते थे, ओके खेती में और थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में, लेकिन अब इसके अलावा अब आधे लोग हैं वो टिकटॉक बना करके, रील्स बना करके, यूट्यूब पर काम करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करके, गेमिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करके, गेमिंग का प्रचार करके, ओके इस तरह से टीवी कार्यक्रम है, वो जब टीवी कार्यक्रम वैश्वीकरण के दौर में टीवी कार्यक्रम तेजी से बढ़े, तो टीवी कार्यक्रम को बनाने में उसका उसके उसको डिजाइनिंग करने में सब चीजों में सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में सबकी आवश्यकता पड़ रही है ना, ये क्यों पड़ रहा है, ये वैश्वीकरण के कारण ही सारी चीजें तेजी से चेंज हुई हैं। तो पहले के कंपेयर में अभी अवसर ज्यादा तेजी से सृजित हो रहे हैं और इसका लाभ सबसे ज्यादा युवाओं ने ही उठाया है। आज आपको देखने को मिलेगा कि भारत के युवा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और हार्डवेयर इंडस्ट्री में बहुत अग्रणी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देश विदेश के मुद्दे, बाहरी घटनाओं आदि के प्रति जो युवा हैं वो अधिक जागरूक हुए हैं एवं उनमें अधिक समझ है वो विकसित हुई है। ये किस कारण हुई है, वैश्वीकरण के कारण ही हुई है, युवाओं का वैश्वीकरण के कारण तकनीकीकरण को बढ़ावा मिला है, विशेषकर युवा सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रौद्योगिकी के प्रति अधिक दक्ष हुए हैं, इसके लिए विशेष रूप से भारतीय युवाओं को जाना जाता है, फलतः पश्चिमी देशों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, युवाओं में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का तेजी से विकास हुआ है, इसमें अंधविश्वासों एवं जातिगत भेदभावों में कमी आई। आज आप लोगों ने देखा होगा कि ऊंच नीच शहरों में ऊंच नीच जाति नहीं, देखिए हर लड़का हो लड़की हो यानी कि दोस्त हो आपस में कोई भी हो, अब वो नहीं देखते इतनी जाति है, तुम भाई कौन सी जाति से बिलोंग करते हो ये बताओ, तुम कुर्मी हो या फिर तुम पटेल हो या फिर तुम कटियार हो या फिर तुम पंडित, अरे दोस्त हैं चलो चलते हैं चाय सुट्टा पी करके आते हैं, ओके पूछते हैं क्या चाय सुट्टा पीने के लिए, भाई पहले तुम अपनी जाति बताओ तब हम तुम्हारे साथ चाय सुट्टा पियेंगे, नहीं ये क्यों हुआ है, क्योंकि आज आप लोगों ने देखा कि वैश्वीकरण के कारण जातिगत और अंधविश्वास जैसी चीजें हैं वो कम हुई है, पहले इतनी ज्यादा बलि दी जाती थी, इतने ज्यादा टोने टोटके किए जाते थे, लेकिन अब उनसे क्या हुआ है, हमारा समाज हल्के हल्के दूर हुआ है। लेकिन वही नकारात्मक भी आपको देखने को मिलेंगे, चलो वैश्वीकरण का हमारी युवा वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है, तो वैश्वीकरण में रोजगार निश्चित नहीं होते, आपने देखा रोजगार एक तो मिल जाते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि रोजगार सब कुछ पटरी अच्छे से चल रही थी, भारत में भी अच्छे से चल रही थी, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया, तो आपने देखा कि देखिए सरकारी नौकरी वालों की किसी की नौकरी गई नहीं गई ना, लेकिन आपने देखा कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी थी उन्होंने लोगों को निकाल के फेंक दिया, तो इसमें रोजगार होता है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे ही वैश्विक मंदी का दौर आता है
वैश्विक मंदी किसी भी कारणवश हो सकती है, जैसे ही वैश्विक मंदी का दौर आता है, डिमांड है वो थोड़ी सी नीचे जाती है, वैसे ही हर देश पर प्रभाव पड़ता है, कोई भी देश उससे अछूता नहीं रह जाता है, किसी पर इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है, किसी पर कम पड़ता है। जैसे यूक्रेन में आज युद्ध हो रहा है, रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, भारत भी उससे प्रभावित हो रहा है, भारत में तेल की कीमतें बढ़ गई तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, तो इन इन सभी चीजों कारण होती हैं। तो नौकरियों के लिए इसी तरह से शेयर बाजार में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, शेयर मार्केट धुम से क्या आ गया, नीचे आ गया। तो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा नौकरियों के लिए काफी प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलेगी, भैया दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, नौकरी मिल जा मिल जा। यह है प्रतिस्पर्धा युवाओं में अधिक होती है, इससे कई बार वे तनाव एवं दबाव में आ जाते हैं। युवाओं में नैतिक मूल्यों में लगातार कमी आ रही है, आप लोग देख रहे हैं नैतिक मूल्य, अरे भाड़ में गया नैतिक मूल्य, ना किसी का आदर करना, ना सम्मान करना, बस यो 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 हानि सिंह करना है और कुछ करना ही नहीं है जीवन में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, अब देखिए जो हमारे युवा वर्ग है वो देखता है, अरे भाई मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस देखता है, फिर कहता है अरे हम भी जाते हैं, अफीम का एक चस्का लगा करके आते हैं, अफीम गांजा नशे इन चीजों में पड़ जाता है, उसको इसी मजा आता है, उसको लगता है यही दुनिया है। और जब 6-7 साल बीत जाते हैं तब उसकी वो एज होती है, वो निकल जाती है जिसमें उसको मेहनत करना होता है, तब लगता है उसके लिए यार मैंने अपने जीवन में क्या कर दिया, क्योंकि फिर वक्त नहीं बचता अपने हाथ में कुछ करने के लिए। जो कुछ करने का वक्त होता है वो 19 साल से लेकर के आपको 25-26 साल तक ही आपके पास में सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, अगर वो समय आपने बिता दिया और इसी समय सबसे ज्यादा भटकाव होता है, अगर आप गलत संगति में पड़ गए तो आप समझ लीजिए भटक जाएंगे। और इसी समय अगर जिसने अपने ऊपर बर कर लिया वो करोड़पति लखपति सब कुछ बन सकता है, ना केवल करोड़पति लखपति बल्कि वो अपने पूरे परिवार, अपने पूरे खानदान, अपनी पूरी पीढ़ी को सुधार सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। युवाओं में महिलाओं के प्रति सोच में नकारात्मक नजरिए का विकास भी हुआ है, युवा हैं वो महिलाओं के प्रति नकारात्मक नजरिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा इतनी सारी बलगर चीजें चलती हैं तो इस कारण ऐसा होने लगा है। अनेक युवा तकनीकी का गलत उपयोग करने लगते हैं, इससे हिंसा आतंकवाद अपराध जैसी घटनाएं हैं उनमें लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। फेसबुक पर व्हाट्सएप पे चटिया रहे हैं और बता रहे हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, आज इधर रैली निकल रही है, इधर ऐसा हो रहा है, इधर बम फोड़ना है। इधर आपको देखने को मिलेगा वैश्वीकरण के कारण युवा जंक फूड के प्रति अधिक आकर्षित हुए हैं, फलता युवाओं में हाल के दिनों में स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं को जन्म लिया है। पहले युवा क्या होते थे, हस्त पुष्ट रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे, पहलवानी करते रहते थे, घी पीते थे तब भी कुछ नहीं होता था, आज तो दूध पी लो तो पेट खराब हो जाता है, मतलब ऐसी हालत आ चुकी है, जंक फूड खा खा करके डायबिटीज है, वो 5-5 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वैश्वीकरण का हम वृद्ध लोगों के ऊपर प्रभाव देख लेते हैं, तो पहले हम नकारात्मक प्रभाव देखते हैं फिर हम सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। तो देखिए वैश्वीकरण तीव्र घटनाओं को जन्म देता है, ऐसे में अधिकांशतः यह वृद्धों के लिए अनुकूल अवसरों का, अवसरों का अवसर जाना नहीं कर, अरे देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट टाइप हो गया। तो देखिए अनुकूल अवसर है वो सृजित नहीं कर पाता है, अब अनुकूल अवसर सृजित इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि देखिए जो बुजुर्ग होते हैं वो नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते बल्कि वो उसको सीखने में उतने ज्यादा दक्ष नहीं होते हैं। जैसे आज है कहते हैं हम अनपढ़ हैं इसलिए हम एंड्रॉयड फोन नहीं चला पाते हैं, आज एक 2 साल का बच्चा है वो अभी तक किसी स्कूल में जाकर के नहीं पढ़ा, फिर भी वो अभी निकाल के दे दो पबजी डाउनलोड करके खेलना, खेलने के लिए चला देगा, यूट्यूब में कुछ भी कह दो सर्च करके आपको दे देगा। तो देखिए वो है उनके अंदर वो मनोवृत्ति खत्म हो चुकी होती है, वो अपने समाज से अपने परिवेश से आए हैं, उसी परिवेश में वो रहना चाहते हैं, नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। उनके लिए एसी में बैठाओगे तो कहेंगे हमको गर्मी लग रही है, हमको सफोकेशन लग रहा है, हमको ऐसा करो, हमको दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो कि तो ऐसे धूल धूल आ जाती है। तो आपने देखा ना कि समस्या, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो जल्दी चीजों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए उनके लिए सबसे ज्यादा समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। आय सुनिश्चित और साथ में आय सुनिश्चित संसाधन नहीं होने के कारण वृद्धों को कई बार परिवार में एक भार की तरह समझा जाता है, क्योंकि आय सुनिश्चित नहीं होती है परिवार की, तो जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए एक भार की तरह देखा जाता है। वैश्वीकरण के कारण वृद्ध परिवारों में अकेलेपन की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, जो उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी संकटों को जन्म देते हैं, मानसिक एवं दूसरे प्रकार की बीमारियों को लेकर
कि उनके लिए जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। जैसे वृद्ध लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि उनसे कोई जल्दी बात नहीं करना चाहता है। उनसे बच्चों के लिए आजकल की मम्मियां हैं वो कहती हैं, दादी दादी के पास मत जाना, बीमार हो जाओगे, उससे दूर रहो दूर रहो, हैं हमेशा समझाती रहती हैं। वो उनसे खुद बात नहीं करना चाहेंगी, ना कहीं जाने देंगे, कहाँ जाते हो, बेइज्जती करा देते हो हमारी जाकर के पड़ोसी में, घर पे बैठा करो, मतलब ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको भाई, वो वैसे परिवेश से आते हैं। अगर वो अपनी रीजनल लैंग्वेज का उपयोग करती हैं तो हमें गर्व करना चाहिए, हमको शर्माना नहीं चाहिए। अगर हमारी मम्मी कहती हैं अरे खाना ले आओ, थोड़ा सा भूख लगी है, तो कोई बात नहीं, ये हमारी यहाँ की भाषा है, हर कोई अपनी भाषा को लेकर के गर्व करता है। बस एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो अपनी भाषा को लेकर के शर्म महसूस करता है। हम शर्म महसूस नहीं करते हैं। हम जाते हैं आज भी, हम अब गांव में जाते हैं या फिर हमारा परिवार होता है, जब कहीं भी हो हम परिवेश में, हम लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। आज हम, आपने देखा होगा कई बार हम वीडियो जब आपकी क्लास लेते हैं तब पापा का फोन आता है, हम ये नहीं सोचते कि हम आप लोगों की क्लास ले रहे हैं। जब भी मम्मी का फोन आता है हम ऐसे ही बोलते हैं, हेलो मम्मी कैसी हो और काहे रो, सब कुछ ठीक ठाक है। क्यों, हम उसके, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते, हम मम्मी से उसी तरह से बात करते हैं जिस लैंग्वेज में उनको अच्छा लगता है, जिस लैंग्वेज में वो अपना फर्ज फील करती हैं। वरना कहेंगे ये तो बहुत बड़ा कलेक्टर हो गया, मुझे ऐसा नहीं फील करना चाहिए। और हमें अपनी भाषाओं को लेकर के हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए, ना कि ऑकवर्ड फील करना चाहिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब हम पब्लिकली पढ़ाते हैं, कहीं पर भी क्लास लेते हैं, तब हम डायरेक्ट ऐसी भाषा में बोलते हैं। तो आप लोग भी जब आपके बुजुर्ग किसी भी प्रकार की लैंग्वेज में बात कर रहे हो, वो ग्रामीण भाषा का उपयोग कर रहे हो या फिर कैसी भी, तो आप लोग ऐसा असहज महसूस ना करें, अरे वो उनकी लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज है। कुछ लोग खड़ी भाषा बोलते तो कहते हैं अरे खड़ी भाषा बोलने पता नहीं कैसा लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है। ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए, भले ही 5 स्टार में बैठे हों, धोती कुर्ता पहन के जाओ ना, एकदम सीना तान के जाओ कि हमारी ये संस्कृति है एकदम। ऐसा नहीं कि यार धोती कुर्ता पहने हैं तो सब पैंट कोट पहने हैं। देखिए जिस दिन आप पैसे वाले बन गए ना, पैसे वाले का मतलब है कि आपका एक रुतबा, एक आपका स्टेटस जिस दिन बन गया, उस दिन आप धोती कुर्ता पहन के जाएंगे ना तो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी तरह ही वो लोग हो जाएंगे। आप है ना, अगर आप जैसे जिस दिन आप आईएएस बन जाएंगे ना, और आप 4 लोगों में बैठे होंगे जो अपने आप को बहुत अमीर समझते होंगे, एक दिन अपने आप को बहुत हाई क्वालिटी के समझते होंगे, लेकिन जिस दिन आकर के आपके साथ में 5 स्टार में खाना खाएंगे बैठ करके, और आप हाथ से खाओगे, वो चम्मच निकाल के अपने आप हाथ से खाना प्रारंभ कर देंगे। आज अंबानी साहब है ना, वो अगर आपके सामने खाना खाते हो तो एक गरीब आपके सामने खाना खाता हो, तो गरीब को लोग देख कर कहेंगे यार एक कैसा जाहिल आदमी है, ये हाथ से खाना खा रहा है बताओ। लेकिन वही धीरू भाई अंबानी जब हाथ से खाना खाएंगे ना तो कहेंगे देखो ये अंबानी साहब है कितने नेचुरल हैं, हाथ से खाना खा रहे हैं, हम उनकी तारीफ करेंगे। एक गरीब है जब वो साइकिल से चलता है तो हम कहते हैं अरे ये फकीर है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, शहर में कहीं भी साइकिल लेकर के टूटी हुई चल देता है। लेकिन वहीं पर एक बहुत बड़ा आदमी जब कोई साइकिल लेकर के चलेगा, बिल गेट्स जिस दिन साइकिल से चलेंगे ना तो कहेंगे देखो ये कितने इको फ्रेंडली हैं, कितने हेल्थ कॉन्सियस हैं, हम उनकी अच्छाइयों को देखेंगे। जब कोई कोई हमारे परिवेश में कोई कच्छा पहन के आ जाएगा, मतलब चड्डा जो होता है वो पहन करके आ जाएगा, तो हम कहेंगे यार इसको कोई अकल नहीं है, पैंट शर्ट पहन के नहीं आ सकता था, ये कैफरी पहन के आ गया चड्डा पहन करके। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा सिंगर है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं, वो हमेशा चड्डा पहन के घूमता है, उसका नारे ऐसे लंबा से लटकते रहता है, लोग उसको फॉलो करने लगे। क्यों क्यों, क्योंकि उसका एक स्टेटस, तो स्टेटस बनाइए, लोगों को फॉलो करना बंद कीजिए। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा वैश्वीकरण के दौर में वृद्धों के प्रति अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है, उनके अकेले होने का लाभ समाज जो असामाजिक तत्व हैं वो उठाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग सकारात्मक पक्षों की भी बात कर लेते हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके ऊपर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? तो वैश्वीकरण ने कुछ वृद्ध समूहों को आधुनिक चिकित्सा तकनीकी सुविधाओं का लाभ दिया है, इससे वृद्धों की अच्छी देखभाल संभव हुई है, फलतः उनके जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक समृद्धि है वो बढ़ी है, इस कारण आपको देखने को मिलेगा कि बुढ़ापे के लिए लोग हैं वो अधिक से अधिक बचत है वो अपनी कर पाते हैं और उसको बाद में खर्च कर पाते हैं। वैश्वीकरण ने वृद्ध समूह के लिए बीमा, पेंशन और सामाजिक कल्याण के लिए अवसर सृजित किए हैं, इससे वृद्धों की वृद्धावस्था से पहले ही सुरक्षित अधिक सुरक्षित है वो वृद्धावस्था से पहले वो अधिक सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ऐसे वृद्ध जिन्हें आधुनिक तकनीकों एवं कौशल के अनुरूप
खुद को ढाल लिया है, उन्हें अनुभव का अतिरिक्त लाभ मिलने के कारण वैश्वीकरण के दौर में उन्हें सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है। यानी कि जिन वृद्धों ने अपने आप को इस वर्तमान युग के अनुसार ढाल लिया है तो उनको इसका लाभ हुआ है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं वैश्वीकरण का, हमारी जो संस्कृति है, कला संस्कृति है, उसके ऊपर प्रभाव। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है। यह हजारों वर्षों से हजारों भाषाओं का सह अस्तित्व रहा है। वैश्वीकरण के कारण अनेक सीमांत एवं अल्पसंख्यक भाषाओं का, जो भाषाएं हैं, उन पर नकारात्मक असर पड़ा है। आज कई जनजातीय भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो हमने कहा, देखिए जो आपकी भाषा है, हो सकता है वो विलुप्त हो जाए कुछ समय के बाद, आपकी भाषा कोई ना जाने। आप अपनी भाषा को और प्रोत्साहित कीजिए, अपनी भाषा में बोलिए, अपने बच्चों को अपनी भाषा सिखाइए, अंग्रेजी से पहले अपनी मातृभाषा उन लोगों को सिखाइए। भारत अपने खान पान और पहनाव एवं वस्त्र की विविधता के लिए जाना जाता है। वैश्वीकरण के कारण देसी पहनावा, भोजन आदि का ह्रास हुआ है। जींस एवं जंक फूड आदि के प्रति आकर्षण बढ़ा है। जंक फूड ने अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी जन्म दिया। आप लोग देख रहे हैं, मतलब इस प्रकार के अब कपड़े हैं, फटे पुराने भैया कपड़े पहने रहो, भिखारी में और नॉर्मल इंसान में पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगला। तो भारत एक कलात्मक विविधता का देश भी रहा है। हमारे यहाँ कला का विकास कला के लिए, अर्थात सौंदर्य सुख के लिए एवं सामाजिक आनंद के लिए हुआ है। कला के पीछे मुनाफे की भूमिका नहीं रही है, लेकिन वैश्वीकरण ने अन्य स्थानों की भांति भारत में भी कलाओं का बाजारीकरण कर दिया है और इसका उपयोग मुनाफे के लिए किया जाता है। ओके, भारत ने अपने बहुसंख्यक तीज त्योहार एवं उत्सवों के लिए जाना जाता है। अधिकांश उत्सव सदियों से समाज को जोड़ने का कार्य करते रहे हैं, लेकिन वैश्वीकरण के कारण इसके प्रति सामूहिकता एवं उल्लास में कमी आई है। आज हमारे यहाँ जो होली, दीपावली, ईद, ये सारे त्योहार हैं, वो उस तरह से नहीं मनाए जाते हैं जैसे पहले उल्लास के साथ में सभी लोग आपस में मिल करके, मिलजुल करके कई दिनों तक उसको सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन आज वो नहीं देखने को मिल। आज हम क्या बनाते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे हम लोग बनाते हैं, वैलेंटाइन डे, मतलब पश्चिमी वाली चीजें हैं वो हम लोग अपनाते हैं, लेकिन अपने यहाँ के जो हमारे ओरिजिनल, हमारी जो पहचान है, होली, दीपावली, ईद, ये हमारी, मतलब ये हमारी पहचान है, इनको हम क्या करते हैं, अवॉइड करने लगे। अब लोग होली दीपावली पे कहते हैं यार घर चलो तो चलो, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो आएगा ना, वैलेंटाइन डे आएगा और डे आएंगे ना, वो एकदम ऐसे मनाएंगे जो कभी जिंदगी में सुने ही नहीं थे आज से पहले। उनमें कॉर्पोरेट बात है, वो आपको बढ़ावा दे रहा है, चॉकलेट भैया, फादर्स डे आए, मदर्स डे आए, कोई डे आए, चॉकलेट बेचो, चॉकलेट बेचो, वो चॉकलेट बेचना चाह रहे हैं, आपसे कोई त्योहार नहीं मनवा रहे। हम जाते हैं ऐसा छोटा सा केक काटते हैं, केक काटने के बाद दो तालियां बजाते हैं, खत्म, ये त्योहार हुआ, ये सेलिब्रेशन हुआ। मतलब एक छोटा सा केक काट के सेलिब्रेशन तो हमारे यहाँ जब होता था रियलिटी में, दो दो तीन तीन दिन लगता था कि अभी शादी जैसा त्योहार है, ऐसा लगता था। मतलब इसको कहते थे त्योहार, ओके, ये नहीं कि मतलब ऐसे दो चुटकी दो, मतलब पता ही नहीं चला किधर था किधर चला गया, ओके, कि भैया तुमने कुछ सेलिब्रेट किया भी है नहीं किया, ये तो पता ही नहीं चला। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा भारत अपने बहुसंख्यक तीज त्योहार, ये तो अभी अब बता दिए। इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण भारत में पश्चिमी संस्कृति का तेजी से आगमन हुआ है, जैसे कि अभी बताएं, इतने सारे जो देश हैं ये सब पश्चिमी लोगों के देन है, वो लोग चाहते हैं कि हमारी से ज्यादा से ज्यादा चीजें बिके, वो चीजें बेचना चाहते हैं, अवसर खोजना चाहते हैं वो। अभी देखिएगा 50 से ज्यादा देश हैं वो निकाल देंगे, पहले कौन सा फेमस हुआ था, सिर्फ वैलेंटाइन डे फेमस हुआ था, बोले अभी भी कम बिक्री होती है, बोले इसको 14 दिनों तक बढ़ा दो, तो फर्स्ट दिन से लेकर के आपको पहले मिलाते हैं, फिर ब्रेकअप डे भी आ जाता है। इसी तरह से मदर्स डे, फादर्स डे, चीदर्स डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, पता नहीं कौन कौन सा डे है, और अभी तो हमको इतना पता भी नहीं जितना आप लोगों के लिए पता होगा, और अभी जिंदगी में और बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो वास्तविक हमारे हैं उनको तो भूल जाओ, उनको मत याद करो, उनमें कोई नहीं करना। अब हम गुजिया नहीं खाते, अब हम क्या खाते हैं, डेयरी मिल्क खाते हैं भाई। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि नकारात्मक प्रभाव हैं उसकी बात करें, सॉरी ये सकारात्मक है या नकारात्मक है हमको दिख नहीं रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये सकारात्मक प्रभाव है। तो चलिए हम लोग सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। तो वैश्वीकरण के कारण भारत में वैश्विक भाषाओं का प्रसार हुआ है। वर्तमान में अंग्रेजी
बोले जाने वाले भारतीयों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई। अब अंग्रेजी बोलने से फायदा ये हुआ है कि हमें अलग अलग जगह पर हमें रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं, हम अन्य देशों में जाकर के भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा इससे भारत को अनेक क्षेत्रों में आर्थिक लाभ मिला है। अनेक स्थानीय भाषाएं जैसे पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु इत्यादि के प्रसार में भी वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के कारण भारतीय कलाओं को भी वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है, जैसे मिथिला चित्रकला देखने को मिलेगी, मधुबनी चित्रकला। भारतीय स्थानीय जो हस्तशिल्प होता है वो अब देखिए जैसे मिजोरम हो गया, असम हो गया, इनके जो बांस के बने हुए चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा अभी प्रचलित हो रही है। जैसे बांस की बोतल, जैसे मिल्टन की बोतल आती है ना, बांस की बोतल आने लगी, बहुत ज्यादा प्रचलित, बांस बांस पर बने बहुत सारी चीजें। तो अलग अलग जगह की जो हस्तशिल्प होती है वो काफी ज्यादा फेमस हो रही हैं, यदि वैश्विक प्रदर्शनियों के भाग बनते हैं इससे इसके प्रचार को बल मिलता है। तीसरा देखिए, वैश्वीकरण के कारण भारतीय संगीत और नृत्य का वैश्वीकरण हुआ है। भारतीय कलाकार हॉलीवुड के कलाकारों के साथ मिलकर वैश्विक मंचों पर साथ साथ देखने को मिलते हैं। ऑस्कर और ग्रेमी जैसे पुरस्कार भारतीय कलाकारों को भी प्राप्त हुए हैं। वैश्विक मंचों पर भारतीय संगीत को भी स्वीकृति मिली है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम सकारात्मक पक्षों की बात करें तो दो और हैं। भारत में हाल में भारतीय वस्त्र एवं पहनावा जैसे खादी, कुर्ता, साड़ी तथा भारतीय भोजन जैसे कि कढ़ी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई है वैश्विक स्तर पर देखी जाए। वैश्वीकरण के कारण स्थान विशेष की संस्कृतियों का भी वैश्वीकरण हुआ है, इन्हें वैश्विक पहचान मिली है, जिसे हम लोग जीटेक के नाम से जानते हैं। भू स्थानीकरण का नाम दिया गया है, ओके, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से जिसको जानते हैं, ओके। आज का लेक्चर है वो यहाँ पर ही फिनिश होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग अपनी संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, ना केवल सब्जेक्टिव स्तर पर इसको पढ़ें बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी इसको उतारें। आप जाइए, जैसे कि हमेशा आप लोग कुर्ता पैजामा नहीं पहन सकते हैं, धोती कुर्ता नहीं पहन सकते हैं क्योंकि संभव नहीं है, लेकिन जब तीज त्योहार हो, कोई स्पेशल डे हो तो स्पेशल जगह पर आप लोग पहन के जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें जींस का होली, वो विदेशी कपड़ों की जैसे होली जलाई दी, ऐसे जींस की आज से होली दहन कर देंगे, नहीं, उसको भी पहनिए, अपनी संस्कृति को लुप्त मत होने दीजिए। दूसरी भाषा है, अंग्रेजी भाषा भी बोलिए, चाइनीज भी बोलिए, फ्रेंच भी बोलिए, हिंदी भी बोलिए, अंग्रेजी भी बोलिए, भोजपुरी भी बोलिए, मतलब अपने यहाँ की जो है, जैसे भोजपुरी है तो भोजपुरी बोलिए, तेलुगु है, गुजराती है, वो भी आप लोग बोलिए। मतलब क्या करना है, उनको विलुप्त नहीं होने देना, ऐसे नहीं करना है। किसी ने अगर जैसे आप गुजराती हैं और गुजराती हैं, अब आप चले गए मुंबई में या फिर दिल्ली में चले गए, वहां आपके घर वालों ने गुजराती बोल दी तो कह रहे हैं हाँ तो बा ये तो क्या है, एकदम गवारू है, इसको तो कुछ आता नहीं है। तब जब वो भोजपुरी बोले तब आपको भोजपुरी आती है तो आप रिप्लाई में भोजपुरी ही में उसको रिप्लाई कीजिए। जैसे कोई है, कोई गुजराती आपका दोस्त है, आप भी गुजराती हैं लेकिन आप किसी भी जगह पर हैं, बड़े से बड़े होटल में हैं, बड़े से बड़े रेलवे स्टेशन पे हैं, एयरपोर्ट पर हैं, अगर उसने आपसे गुजराती बोला और आपको गुजराती आती है तो आप उसको रिप्लाई गुजराती में ही देने का प्रयास करें। अगर आती है, नहीं आती है तो हिंदी में देने का प्रयास करें या फिर जो भी भाषा उसके लिए सहज हो उस भाषा में देने का प्रयास करें, लेकिन उसको हतोत्साहित कभी ना करें, कभी भी उसको हतोत्साहित ना करें। भले ही आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है, आप उनसे प्रेम से बोल सकते हैं कि मुझे गुजराती नहीं आती है, क्या आप मुझे दूसरी भाषा में इसको समझा सकते हैं? तो आप वो कहेगा हाँ मैं समझा सकता हूँ भाई, कौन सी आती है? हिंदी आती, चलो हिंदी में बतिया लेते हैं, तो इंग्लिश आती, चलो इंग्लिश में बतिया लेते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिली। चलिए आज के लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह से अपना प्यार